पलवल में सरकार के द्वारा लोगों को मिलने वाली विधवा और वृद्धा पेंशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि 3,000 से लेकर 5,000 रुपए में लोगों की पेंशन बांधी गई है। वहीं पैसा ना मिलने पर विधवाएं एक एक साल से चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिल रही है। वहीं बुजुर्ग लोग भी वृद्धा पेंशन के लिए एक एक साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वे भी खाली हाथ। साथ ही पीड़ित बुजुर्ग और दिव्यांग इस मामले को लेकर कई बार विभाग के उच्च अधिकारी और सीएम विंडो पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बांधी गई है। इसमें एक जनपदीय केंद्र में लिखी हुई है, जब से धक्का खाते खाते कभी दोना पीछे की, कभी चारना पीछे की, कभी उस समय का हम इंतजार करते हैं। जब इंतजार करके यहाँ आते तो फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं, जैसे इंतजार किया 8 साल से, फिर यहाँ आते पेंशन बनवाने के चक्कर मारा हूँ। अच्छा, वैसे मुझे लगभग बीमारी लगभग मारा हुआ हाँ जी, 1 साल हो गया मेरे को। 1 साल हाँ, और 6 महीना 11वें महीना 8वें महीने मैंने ऑनलाइन फार्म कर। अच्छा, कभी फार्म गुम हो जाए, कभी वो जब 3 दफा हर सोमवार भरा रहे। मेरा नाम संदीप शर्मा। संदीप शर्मा, आप गांव के सरपंच हो? हाँ जी। रूदी से? हाँ जी। तो सरपंच साहब, ये बताइए, जो आज समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आप लोग यहाँ पर चक्कर काट रहे हो, किस बात को लेकर चक्कर का क्या मामला है? यहाँ पेंशन की ओर से विधवा विकलांग और तगड़ा लोगों को एक साल हो गया पेंशन, ये चक्कर काट। एक ही साल से? हाँ जी। हाँ, फिर क्या क्या अधिकारी क्या क्या कहते हैं? अभी कहते हैं फार्म ऑनलाइन नहीं हुआ है आपका, डोमिसाइल में गलती है, बार बार उसको जब आता है कोई ना कोई क्लू निकाल देते हैं उसको।